दोस्तों अब्दुर्रहमान मरवत चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हमारे नई वीडियोस आपको आते रहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, व्यूअर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो कमिट्स के मुतल्लिक है। तो स्टार्ट करते हैं, रिव्यू में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें। ये कमिट्स का पूरा चैप्टर है, इसे अभी हम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, कमिट्स हम क्यों यूज़ करते हैं पहले हम ये बता दें। व्यूअर्स देखें, हम अपना डाटा लिखते हैं और डाटा लिखने के साथ साथ इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं और फंक्शन यूज़ हो रहे होते हैं। उन तमाम को आप एक्सेल के अंदर डिफाइन नहीं करते कि ये फार्मूला किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ये क्या चीज़ है। आप सिर्फ अपना कैलकुलेशन वर्क जो है वो बहुत सारा कर रहे होते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो इस तरह होता है कि हमें तो मालूम होता है कि हमने क्या लिखा है, किस लिए ये फार्मूला यूज़ हुआ है, लेकिन जब अब वही शीट कोई और ओपन करता है तो उसे मालूम नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कमेंट्स जो हैं वो लिख देते हैं ताकि उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे वो कमेंट्स देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है, इससे किस तरह काम करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, आप किसी भी सेल पे जो है रखें, ये टीम ए है हमारी। अब टीम ए का हमें नहीं मालूम ये क्या है, तो हम इसमें कमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अब हम जो है इसमें ऐड करते हैं कि टीम ए जो है हमारी वो पाकिस्तान की है, ठीक है, ठीक है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसी तरह व्यूअर्स हम नेक्स्ट आएंगे, बी है, इस पर क्लिक करते हैं। इसका ताल्लुक इंडिया से है, ठीक है व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स, ये हमने ऐड किए। अब हम ये जो टोटल है यहाँ पे भी ऐड करते हैं कमेंट्स। देखें, टीम ए प्लस ठीक है व्यूअर्स। आप यहाँ पे अगर आए देखें, यहाँ लिखा हुआ है आई एम वर्किंग इन एमएसओ, ठीक है, एमएसओ का नहीं मालूम तो आप यहाँ पे रखें कमेंट्स लिख दें कि एमएसओ एमएसओ इक्वल है, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, अब देखें, अब जैसे ही हम देखें टीम ए पे माउस लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे कमेंट्स अपीयर हो जाएंगे और वो बताता है कि जो टीम ए है वो पाकिस्तान है, ठीक है, वो पाकिस्तान की टीम है। इसी तरह जैसे ही आप टीम बी पे आएंगे तो वो शो कर देता है कमेंट्स में कि ये इंडिया की टीम है, लेकिन कब शो करेगा, जब माउस का पॉइंटर आपका ऊपर आएगा, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, उसके बाद अब जैसे ये ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है तो हमें नहीं मालूम ये किस चीज़ का है, तो जैसे ही माउस इसके ऊपर आता है वो फौरन बताता है कि ये ग्रैंड टोटल है टीम ए प्लस टीम बी, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब यहाँ हम जैसे पढ़ रहे हैं आई एम वर्किंग इन एम एस ओ, ठीक है, तो जैसे माउस ये आता है वो बताता है एम एस ओ इक्वल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है व्यूअर्स। यानी कमेंट्स आप देख सकते हैं ताकि लोग जो है वो आसानी से समझ लें कि ये जो आपने फार्मूला लगाया है या ये जो लाइन लिखी है इसका क्या पर्पज़ है, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब हम इस पर काम करते हैं कि जैसे ये देखें एक शीट के अंदर हज़ारों जो है आप कमेंट्स लगा सकते हैं, तो अब इसका तरीकाकार क्या होता है। अगर आप तमाम कमेंट्स को देखना चाहते हैं तो व्यूअर्स ये लिखा है शो ऑल कमेंट्स, ठीक है, इस पर आप क्लिक करें। ये देखें व्यूअर्स, सारे कमेंट्स आपको शो हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शीट में जितने कमेंट्स लिखे हुए थे सब शो हो रहे हैं एक ही वक्त में, लेकिन पहले क्या था कि हम माउस को लेके जाते थे तो वो शो होते थे, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम जो हमारे पास सारे ये शो हुए हैं इस वक्त, इसे हम हाइड करना चाहते हैं तो इसी पे अगेन क्लिक कर देंगे, ठीक है व्यूअर्स। जैसे क्लिक करेंगे ये तमाम यहां से डिसअपियर हो जाएंगे, देख रहे हैं व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप चाहें वन बाय वन देखना तो ये लिखा है नेक्स्ट, ये देखें व्यूअर्स, उसने नेक्स्ट हमें दिखा दिया। फिर आप लिखें नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट जो है हमारा कमेंट्स वो दिखा रहा है। फिर ये नेक्स्ट वो दिखाया उसने, स्टार से वो दिखाना शुरू किया, फिर ये नेक्स्ट दिखाए। अच्छा व्यूअर्स, ये तो आप जो है इसे देख सकते हैं, अब इसी की तरह इसे आप हाइड भी कर सकते हैं। ये देखें हिडन कमेंट, ये हाइड हो गया, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरह जो शो होता है आप उसे हाइड कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें ये शो हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा ये, ठीक है। आप इस पर माउस लेके आए
शो एंड हाइड पे क्लिक करें तो ये सिर्फ एक को दिखाएगा। देखें शो ऑल कमिट से मुराद है तमाम को शो कर देगा, लेकिन शो एंड हाइड से मुराद है सिर्फ एक को शो करेगा। ये क्लिक किया, इसने शो कर दिया, दोबारा क्लिक करेंगे ये इसे छुपा देगा। ये देखें, ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह यहाँ पे रखते हैं, शो करेंगे, देखिए इसने शो किया, अब क्लिक दोबारा करेंगे वो हाइड कर देगा। इन दोनों में ये फ़र्क है, ये तमाम को दिखाता है, ये देखें सबको दिखाएगा, सबको छुपाएगा, ये सिंपल एक को जहाँ पे आप पॉइंटर रखेंगे, यहाँ रखा शो, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आप कमेंट्स लिख देते हैं लेकिन आप समझते हैं कि कुछ कमेंट्स जो हैं वो गैर ज़रूरी हैं, जैसे ग्रैंड टोटल है, आप कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ग्रैंड टोटल की, तो आप कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स डिलीट किस तरह करेंगे, ये डिलीट की ऑप्शन आ रही है, इस पर आप क्लिक करें, ये आपका कमेंट्स डिलीट हो गया। देख रहे हैं व्यूअर्स, अगर अब आप शो ऑल करेंगे तो सिर्फ तीन आपके पास रह गए, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा इसे हिडन कर दें। अच्छा व्यूअर्स, अब जो कमेंट्स हैं ये देखें, यहाँ पे न्यू की ऑप्शन है, डिलीट की है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, लेकिन एडिट की नहीं है। एडिट की यहाँ पर ऑप्शन उस वक्त आएगी जब आप अपना पॉइंटर जो है वो किसी एग्जिस्टिंग कमेंट्स पर रखेंगे, तो ये न्यू की जगह एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। अभी हम जो है वो आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें, देखिए व्यूअर जहाँ न्यू की ऑप्शन थी अब देखें एडिट कमेंट्स आ गए। अब आप कमेंट्स में एडिटिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग किस तरह करेंगे, इसी पे क्लिक करें, ये देखें व्यूअर्स, ठीक है। अब जहाँ हमने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब आगे हम लिख देंगे 2010, ठीक है व्यूअर्स, ये हमारी एडिटिंग हो गई, ठीक है। और इन्हें सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटो ही सेव होते हैं, यानी जैसे आप एडिटिंग करके छोड़ेंगे ये देखें वो ऑटोमेटिकली इसे सेव कर लेता है, ठीक है व्यूवर्स। तो ये हमारा कमेंट्स का लेक्चर हो गया। आप जो है अपनी मर्जी के कमेंट्स दे सकते हैं, आपको इससे एहसास होगा कि आपने कौन सा फार्मूला किस वजह से लगाया है और क्यों लगाया है, ठीक है व्यूवर्स। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।